ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि टू विन बिग यू समटाइम्स नीड टू टेक बिग रिस्क। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कहता है ना कि सबसे बड़ी रिस्क यही है कि आपने जिंदगी में कोई रिस्क नहीं ली। इसीलिए आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप कोई बड़ी चीज़ ड्रीम कर रहे हो, कि आप सोच रहे हो कि कोई बड़ी चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, कोई बड़ी चीज़ जो है वो हासिल होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको बड़ा रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा और उसके लिए बड़े से बड़ी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कोई भी बड़ी चीज़ आपके कंफर्ट जोन में रहते हुए आप हासिल नहीं कर सकते हो। इसीलिए अगर आप कोई बड़ी रिस्क ले रहे हो तो आपको कोई ना कोई बड़ी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। तो इसीलिए समझिए कि अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, क्योंकि आपने कोई बड़ा ड्रीम किया है और उसके लिए आपने बड़ी रिस्क ली है, तो इसीलिए हो सकता है कभी कभार चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना चले, लेकिन आपको खुद पर विश्वास रखना है और हमेशा ये सोचते रहना है कि इसके लिए मैंने शुरुआत क्यों की थी और इससे मैं अचीव क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आज कौन सी कंट्री हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको जो फोटो है उसमें कंट्री नज़र आ रही है, रेड इसमें जो मार्क की गई है, तो ये कंट्री कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर आपको मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, मतलब समझ लीजिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोनॉमी है, मतलब GS 1, 2, 3, 4 ज़बरदस्त तरीके के कोर्सेज है जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाएंगे और उसी के साथ साथ आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, क्योंकि लोएस्ट प्राइजेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आपको यहाँ पर एक साल का कोर्स जो है वो मिल जाता है, जो आप इजीली बैठकर एंजॉय कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए हम यहाँ पर 7 मई का जो एनालिसिस है वो देखते हैं कि देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम द हिंदू पर नजर डालते हैं तो द हिंदू में यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर इतने एडिटोरियल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें अगर आप देखोगे सोशल मर्डर जो उसके बारे में बात की जा रही है, तो सोशल मर्डर क्या है इसके बारे में नजर डालेंगे। एंड देन द इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें कुछ खास इसी टाइप का एडिटोरियल देखने को मिल रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, तो वहाँ से हम सॉल्यूशन जो है वो भी यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। देन आयरलैंड, हमें यहाँ पर कम्युनल वॉयलेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कम्युनल वॉयलेंस क्या होता है, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर भी हम आर्टिकल के बियॉन्ड जाकर बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट इस पर आते हैं तो यहाँ पर पूरा पॉलिटिकली है, मतलब जब से जो वेस्ट बंगाल है उसके इलेक्शंस हुए हैं तब से यहाँ पर पॉलिटिकल जो एडिटोरियल है वही देखने को मिल रहा है, पूरा एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस पे जब हम आते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये एडिटोरियल देखने को मिलते हैं। इसमें अगर आप देखोगे इंडिया US 4 डे इन कोविड, ये वाला एडिटोरियल हम देखेंगे, इसमें क्या बात की जा रही है, यहाँ पर ये पॉलिटिकल है ये नहीं देखेंगे। ये वाला अगर हम देखते हैं तो हालांकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एडिटोरियल बताया गया है, लिखा गया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ भी खास चीज़ें निकल कर नहीं आ रही है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत अच्छी हो, जो हमने पहले देखी ना हो। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन आता है, एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पर IP वीवर फॉर कोविड वैक्सीन, तो ये वाला एडिटोरियल हम देखेंगे, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी। ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो देखिए इसमें से सिर्फ बॉन्ड यील्ड क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है जो हमने ऑलरेडी कवर की भी है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर आते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आइडलिज्म इंजेक्शन, तो ये जो है एडिटोरियल, ये और जो मैंने द हिंदू का बताया था वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है और इसमें सॉल्यूशन जो है उसकी बात की जा रही है, तो इसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे उन दोनों एडिटोरियल को मिक्स करके। देन यहाँ पर ताइवान मॉडल अगर हम देखते हैं तो देखिए ताइवान ने यहाँ पर कैसे किया, तो कई बार इसकी सक्सेस स्टोरी हमें देखने को मिली है कि उन्होंने ट्रेसिंग जो है काफ़ी फास्ट तरीके से की, आइसोलेशन फास्ट तरीके से किया, ट्रीटमेंट जो है फास्ट तरीके से किया, देन जो वैक्सीन है वो भी यहाँ पर सही ढंग से उन्होंने लेकर आए, जो इकोनॉमी है उसको भी उन्होंने हर्ट नहीं होने दिया, जो भी चीज़ें हैं सही ढंग से चल रही थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग एंड आइसोलेशन, ये इन्होंने काफ़ी सही ढंग से की, इसीलिए हमें ताइवान जो है वो मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल देखने को मिलता है। बाकी और भी कुछ खास चीज़ इसमें से जानने लायक नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एक एक एडिटोरियल को यहाँ पर सही ढंग से कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सोशल मर्डर एंड द मिसिंग स्टेट, ये हमारे GS पेपर 2 अगर हम गवर्नेंस देखते हैं तो उस परस्पेक्टिव से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आता है। इसमें सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में एडिटोरियल बात कर रहा है।
इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर डिफेंस दैट द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना ये गवर्नमेंट सरकार का डिफेंस ले रहे हैं कि गवर्नमेंट जो उनकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये जो प्रेजेंट क्राइसिस हुए हैं उसके पीछे, है ना। अब ये अगर हम देखते हैं कि लोग जो है लोग ही बाहर निकल रहे हैं बिना मास्क के निकल रहे हैं, हो रहा है फलाना ढिंगाना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, तो अब लोगों जो है उनकी गलती है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो भी क्राइसिस हो रहे हैं उसके लिए। तो जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है ये बेसिकली हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसका क्राइसिस जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ सोर्स ऑफ पावर कौन है, सोर्स ऑफ पावर है लोग, जनता। अब जनता सोर्स ऑफ पावर है तो वो जो मंत्री लोग हैं फिर वो क्या है, वो भी सोर्स ऑफ पावर है। क्यों? क्योंकि ये जो जनता है उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव वो है, इसीलिए मेन सोर्स ऑफ पावर जो है वो हमें हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो देखने को मिलते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, कारण यही है कि जनता सोर्स ऑफ पावर है लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव ये है, तो बट ऑब्वियस है कि ये भी कौन हो गए, सोर्स ऑफ पावर ही हो गए। तब ये जब सोर्स ऑफ पावर है ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी चीज़ें करते हैं जनता के लिए, रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी वो कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर नहीं है, अगर हम ही बोल रहे हैं कि नहीं ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर ये डेमोक्रेसी को सस्टेन कैसे करेगा, ये तो हानिकारक हो जाएगा। यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसमें अगर हम देखते हैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, बैकग्राउंड में जब हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर सीन्स जहाँ पर विटनेस किया जा रहा है इंडिया में वो यहाँ पर काफ़ी डिजास्ट्रस टोन में देखने को मिल रहा है। सिटीजन जो है वो हॉस्पिटल पर्सनल को अटैक कर रहे हैं, है ना, क्यों, लाइव जो है वो लोग जो है वो अपनी खो रहे हैं, क्यों, मेडिकल केयर जो है वो उनको देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब मेडिकल केयर वहाँ पर नहीं है, जिस वजह से क्या हो रहा है, सही ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है, और सही ट्रीटमेंट नहीं हो रही है तो लोग जो है अपनी जान जो है वो भी गंवा रहे हैं। सिटीजन जो है स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रीथ करने के लिए क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो सही ढंग से उनको उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। अब सोशल मर्डर क्यों, यहाँ पर सोशल मर्डर है क्योंकि फर्स्ट वेव जो हमने देखी थी पैंडेमिक की, है ना, उसमें इंटर स्टेट काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर जो है वो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर चलकर गए थे और वहाँ पर स्टेट जो है वह अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही थी, वहाँ पर स्टेट ने अपनी इनएबिलिटी शो की। जैसा कहा जाता है कि जो करप्शन है हमारे देश में, करप्शन जो है वो तो ठीक है, करप्शन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा है इनएक्शन, ये बहुत बड़ा मुद्दा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी इनएबिलिटी जो है स्टेट की वो हमें देखने को मिली माइग्रेंट वर्कर जो है उनको कंट्रोल करने के लिए, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी लोग जो है वो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की गलतियाँ, ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है नहीं 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 गवर्नमेंट तो सारी चीज़ें कर रही है, हम ही अगर मास्क पहन के निकलेंगे तो क्या होगा, है ना, ये सारी चीज़ें निकल रही है। देन उसके बाद काफ़ी लोग जो है उनकी डेथ हमें देखने को मिली है जो यहाँ पर ऑक्सीजन देने से सिंपली प्रिवेंट की जा सकती थी, कई सारी डेथ हमें देखने को मिली, गाड़ियों में डेथ हुई है लोगों की, मतलब ले जाते जो एम्बुलेंस है उनकी लंबी लाइन हमें देखने को मिल रही है और एम्बुलेंस जो है उसी के तहत यहाँ पर डेथ देखने को, एम्बुलेंस में लोग जो उनको फोर्स किया जा रहा है फोर्सफुली, उनको यहाँ पर जो उनके लव्ड वंस है उनको पार्किंग लॉट्स में ही क्रीमेट किया जा रहा है। तो मतलब ये क्या है, ये बेसिकली सोशल मर्डर ही तो है। यहाँ पर हमारा जो ढांचा है जो इतने साल से हमें देखने को मिल रहा है, हमारा ढांचा इतना सुदृढ़ नहीं हो सका कि लोगों को सही रीति रिवाज से जो रिचुअल्स होते हैं उस तरीके से उनको क्रीमेट किया जाए, उस तरीके से उनको जो भी एंड जो राइट्स होती है वो सही ढंग से की जाए। तो मतलब क्या चल क्या रहा है, एंड देन उसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर शॉर्टफॉल्स हमें देखने को मिल रहा है, देखिए फर्स्ट वेव के बाद हमारे पास वक्त काफ़ी था कि हम यहाँ पर प्लांट जो अभी किए जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव के टाइम पर ही जो प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड है उसका तो एलोकेशन किया गया था, उसमें कई सारा पैसा जो है वो भी इकट्ठा आ चुका था, तो फिर हमने वहाँ पर प्लांट्स क्यों इंक्रीज नहीं किए ऑक्सीजन के, जब हमको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होती है, ये हमको पहले से ही पता है। जब इतना हमको पता था कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो उसकी संख्या हमने क्यों नहीं बढ़ाई, इतने टाइम से काफ़ी सारे जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो क्लोज थे, उनको पहले इजाज़त क्यों नहीं दी गई, एकदम टाइम पर कुआ क्यों खोदा जा रहा है, ये सारे मुद्दे जो है वो निकल कर आते हैं। अब एथिक्स जो है पब्लिक लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, ये बेसिकली अगर हम देखते हैं तो एडिटोरियल से थोड़ा बाहर जाकर जो गवर्नेंस है उसमें हमें एथिक्स इन पब्लिक लाइफ देखने को मिलता है। इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक लाइफ में जो भी है, वो मंत्री हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, जो भी हो, उसके कुछ एथिक्सल कोड्स होते हैं, जैसे कि सेल्फलेसनेस। क्या है कि जब हमें पता चल रहा है कि जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो रामदेसिविर है, जो दूसरी कोरोना की जो भी दवाएं आती है ना, वेंटिलेटर्स आते हैं, पीपीई किट आती है, ये सारी चीज़ें
ये सारी चीज़ों का ब्लैक मार्केट भी हमें देखने को मिल रहा है, ब्लैक मार्केट भी देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या लगता है, ब्लैक मार्केट जो है इसमें क्या किसी के हाथ नहीं होंगे, क्या लगता है? तो यहाँ पर सेल्फलेसनेस जो है वो ख़त्म होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पब्लिक सर्विस से ऊपर प्राइवेट सर्विस को रखता है कि प्राइवेटली मेरे को कोई गेन होना चाहिए, तो वहाँ पर सेल्फलेसनेस जो है वो खत्म हो जाती है। देन इंटीग्रिटी जो हमें देखने को मिलती है, इंटीग्रिटी इज बेसिकली व्हाट, इंटीग्रिटी जो अपना काम जो है वो सही ऑनेस्टी के साथ अपने मोरल वैल्यूज के साथ करता है, तो उसकी इंटीग्रिटी जो है वो यहाँ पर इंटैक्ट रहती है, तो इंटीग्रिटी वहाँ पर सही ढंग से रहनी चाहिए। देन ऑब्जेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ सारी चीज़ें की जानी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर जो भी इंसान कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, वो जो काम कर रहा है उस कितना अकाउंटेबल है, कितना लोगों को बता रहा है, कितने रीजंस दे पा रहा है। ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहाँ पर रहनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर एथिक्स देखने को मिलता है इन पब्लिक लाइफ। अब यहाँ पर एथिकल फ्रेमवर्क जो है मिनिस्टर्स के लिए जो दिया गया है, खासकर जो मिनिस्टर्स अभी काम करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो दिया गया मिनिस्टर्स ने ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी, इक्विटीली इक्विटेबली एंड डिजिलेंटली के साथ काम यहाँ पर करना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सही ढंग से हो सकती है। मिनिस्टर्स ने यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट्स है दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के, वो टाइम टू टाइम यहाँ पर रखना चाहिए। एंड देन वहाँ पर जो भी हमें कानून लाना है, जो भी यहाँ पर चेंजेस करने हैं, जो भी यहाँ पर चीज़ें करनी है, वो सब कुछ यहाँ पर करना चाहिए। मिनिस्टर्स ने यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिटवीन पब्लिक ड्यूटीज एंड प्राइवेट इंटरेस्ट, जैसा मैंने आपको कहा था कि किसी का प्राइवेट इंटरेस्ट अगर आता है, कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ होता है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया वैसे ही सेल्फलेसनेस जो है वो खत्म हो जाता है। कि कॉन्फ्लिक्ट अगर उसके दिमाग में शुरू हो गया कि अरे मैं कर लूँ क्या, इससे मेरे को बेनिफिट होगा क्या, वैसे ही सेल्फलेसनेस जो है वो समझ लो कि वहाँ पर खत्म हो गई है ना। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं व्हाट कुड बी डन, है ना, अब क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के तहत हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इंडियन एक्सप्रेस जो उसमें आर्टिकल में सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्या किया जा सकता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है वो है क्रिएशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। एक नेशनल एक्शन प्लान जो है बनाया जाना चाहिए स्पेसिफिकली कोविड रिलेटेड, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली में से दिखाई नहीं दे रही है। कि हमने इतने सारे वैक्सीन जो है वो कर दिए, इतना टाइम बीत चुका है, समझ लीजिए कि जनवरी से वैक्सीन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, हालांकि हमने मार्च जो है वहाँ से वैक्सीनेशन की शुरुआत की, हालांकि काफ़ी डिले हो गया हमको, लेकिन स्टिल इतने टाइम में अगर हम देखें तो सिर्फ 2% ऑफ द पॉपुलेशन को हम 2 doses जो है वो दे पाए हैं। तो समझिए कि यहाँ पर 50% पॉपुलेशन तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। जब 50% तक हम पहुँचेंगे वैक्सीनेशन, तब जाकर हम बोलेंगे कि हाँ एक तरीके की हर्ड इम्यूनिटी तक हम अटेन कर पा रहे हैं, एंड देन वहाँ पर केसेस जो है काफ़ी कम हो जाएंगे। काफ़ी लोग जो है वो ये भी बोल रहे हैं कि फर्स्ट जो हमारा वेव आया था, फर्स्ट वेव आई थी, उसमें काफ़ी लोगों को हर्ड इम्यूनिटी जो है वो आ चुकी है। सीरो सर्वे ने कहा था कि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, इसलिए अब बहुत सारे लोग जो है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं जो दोबारा नहीं होंगे। लेकिन सेकेंड वेव आई, बहुत ही इसने तो सारे हदें पार कर दी, एंड थर्ड वेव भी आने वाली है ऐसा भी कहा जा रहा है। तो मतलब प्रॉब्लम, समस्याएं जो है वो कंटिन्यूसली हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो हम एक्शन प्लान बनाएंगे इसमें रियलिस्टिक टारगेट्स रखना चाहिए फॉर एवरीथिंग, वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट से लेकर प्राइसिंग से लेकर प्रिपेयरनेस से लेकर फाइनेंशियल एलोकेशन से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर हमने रखनी चाहिए। देन शॉर्ट टू मीडियम रन, यहाँ पर जो हमने रिकॉग्निशन करना चाहिए कंसिडर स्कैरसिटी एंड रैशनिंग का, यहाँ पर वैक्सीन टू अदर सप्लायर्स जो है उसकी स्कैरसिटी जो रहेगी उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर ट्रस्ट, किस तरीके से हम जो सिचुएशन चेंज है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर सिचुएशन आ जाए उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो एक्टिवेशन है ऑफ पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमिटीज एज ए टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, है ना, फॉर्मल चैनल्स के थ्रू। क्या होता है कि जब हम यहाँ पर कोई कमिटीज़ लाके आते हैं एंड देन वो अपनी रिपोर्ट जो है वो रखती है, तो एक अकाउंटेबिलिटी रहती है एंड उसी के साथ साथ जो जनता है उनमें ट्रस्ट जो है वो भी बिल्डअप होता है। देन यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो उसको डीपॉलिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो में ब्यूरोक्रेसी चलती है, ब्यूरोक्रेट जो है वो भली आंसरेबल है डिफरेंट सीएम्स को, पार्लियामेंट को, लेकिन स्टिल अगर हम यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में डीपॉलिटाइजेशन कर लेते हैं कि यार जैसा तुमको सही लगता है, जो तुमको निर्णय लेने में सही लगता है वो तुम यहाँ पर निर्णय लो, अगर तुमको लगता है कि यहाँ पर रोका जाना चाहिए तो रोक दो, अगर तुमको लगता है कि नहीं चलते रहना है तो तुम चलाओ, ठीक है। फ्रॉम टाइम बींग एटलीस्ट जो कमिटमेंट है वो पेंडेमिक को प्रायोरिटाइज करने की रहनी चाहिए साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल सेंस में, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कम्युनलिज्म जो है उसको यहाँ पर बढ़ा देना, ये सारी चीज़ें अभी करने की चीज़ नहीं है, ये सब हमें अभी नहीं करना है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन आयरलैंड कॉम्प्लेक्स ट्रबल्स लेसन्स फॉर इंडिया, आयरलैंड में कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रबल्स चल रहे हैं वो क्या हो रहा है, तो इसमें भी हम कॉन्टेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि फंक्शनिंग डेमोक्रेसी
मस्ट कमिट टू एड्रेसिंग कम्युनल इशू. कम्युनल इशू जो है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब आयरलैंड में कुछ कम्युनल रिलेटेड चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिली है. अब सबसे पहले तो यहाँ पर आयरलैंड है कहाँ पर वो हमें पता रहना चाहिए. तो आयरलैंड की अगर हम स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा मतलब ये यूरोप है, ठीक है, ये हमें यूरोप जो है वो देखने को मिलता है. अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो जूम किया गया है इसमें हमें यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं यूके, ठीक है. अब यूके में अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग प्लेसेस हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं. इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ओवरऑल आयरलैंड जो है वो देखने को मिलता है, ओवरऑल आयरलैंड. अब इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इंडिपेंडेंट है, कुछ हिस्सा जो है वो हमें यूके के अंडर में देखने को मिलता है. वो क्या है वो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल अब यूके का आपको मैप जो है वो नज़र आ रहा है. इसमें अलग अलग जो उसके सेक्टर्स है वो भी दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें इंग्लैंड जो है वो देखने को मिलता है पिंक इसमें जो है, यहाँ पर वेल्स जो है वो ग्रीन इसमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्कॉटलैंड जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर नदर आयरलैंड जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है. तो अब ये सब मिलाकर इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नदर आयरलैंड, ये सब मिलाकर जो है हमें यूनाइटेड किंगडम जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है. तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए. ये अगर आप देखोगे तो मोस्टली इसको ब्रिटेन जो है वो कहा जाता है. ये भी अगर हम ऐड कर देते हैं पूरे इसमें, ये स्कॉटलैंड भी ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन जो है वो यहाँ पर कहा जाता है. एंड देन नदर आयरलैंड भी जोड़ लेते हैं तो इसको यूनाइटेड किंगडम जो है वो कहा जाता है. तो इस तरीके से अलग अलग नाम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पर आयरलैंड की स्थिति आपको पता चल गई, कहाँ पर है वो पोजीशन पता चल गई. अब यहाँ पर हुआ क्या है तो देखिए, कम्युनल क्लैशेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं नदर आयरलैंड में. उसने मीडिया अटेंशन बहुत सारी कंट्रीज़ का लिया है, बहुत सारी कंट्रीज ने इस पर मीडिया अटेंशन दिया, लेकिन इंडिया, हाँ इंडिया ने, इंडिया की चीज़ें जो है वो हम देखेंगे. ये जो रायट्स है उसने 74 पुलिसमैन को इंजर्ड कर दिया है. यहाँ पर जो पेस है बिटवीन जो प्रो ब्रिटिश लॉयलिस्ट है, मतलब जो चाहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में ही रहना चाहिए आयरलैंड हमेशा, और जो यहाँ पर कैथोलिक प्रो आयरिश नेशनलिस्ट है, मतलब जो चाहते हैं कि यहाँ पर आयरलैंड नदर आयरलैंड जो है उसको यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है उसका पार्ट बना देना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम में वो नहीं रहना चाहिए, इनके बीच में यहाँ पर जो पीस है वो यहाँ पर उसमें खलबली मच गई है. अब यहाँ पर कम्युनलिज्म जो है वो क्या है, देखिए बेसिकली मुद्दा जो है वो इतना ही निकल कर आता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो बात है वो है कम्युनलिज्म की. तो अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत हमें देखना पड़ेगा कम्युनलिज्म बेसिकली होता क्या है. तो कम्युनलिज्म की जब हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जब होता है वंस ओन कम्युनिटी के लिए, भले वो रिलीजन हो, भले वो रीजन हो, भले वो लैंग्वेज हो, अगर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है तो वो यहाँ पर कम्युनलिज्म जो है वो कहलाता है. ये डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है कम्युनिटीज़ के बीच में वो क्रिएट करता है, ठीक है. अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें देखने को मिलता है कि ये एक परसेप्शन जो है वो जनरेट करता है कम्युनिटी स्पेसिफिक इंटरेस्ट में, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसके इंटरेस्ट में जो भी चीज़ें रहेगी वही सिर्फ हम देखेंगे. एक जो पर्दा है आंखों के सामने वो आ जाता है, इस कम्युनिटी के अलावा हम कुछ भी नहीं देखेंगे. कम्युनलिज्म जो है वो मोबिलाइज करता है खुद की कम्युनिटी को अगेंस्ट अनदर कम्युनिटी, कि हमारी जो कम्युनिटी है ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वोपरि है, ये यहाँ पर उसका ही भला होना चाहिए, उसी के बारे में हम देखेंगे. ये क्या होता है, कम्युनलिज्म हमें देखने को मिलता है. एक्सट्रीम कम्युनलिज्म अगर हम देखते हैं तो ये अदर रिलीजन को एलिमिनेट करने की भी बात करता है, कि नहीं ये तो बाकी रिलीजन तो रहने ही नहीं चाहिए, सिर्फ यही रिलीजन जो है वो रहना चाहिए, यही कम्युनिटी रहनी चाहिए. एक कम्युनिटी ट्राई करती है ग्रो होने की और सोशो इकोनॉमिक एडवांटेज ग्रो करने की ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटी, दूसरे कम्युनिटी के कॉस्ट के ऊपर ये अपनी कम्युनिटी जो है वो ग्रो करने की कोशिश करते हैं. इसे हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं कम्युनलिज्म का. रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए रीजंस कई है. सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, कि समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, अगर वो काफ़ी आगे बढ़ जाती है, दूसरी कम्युनिटी जो है वो नहीं बढ़ पाती है, तो यहाँ पर इनसिक्योरिटी जो है वो पैदा हो जाती है. इनसिक्योरिटी पैदा हो गई तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या होगा, जो डेवलपमेंट है वो ना हुआ हो, इसलिए यहाँ पर ये एक हमारी कम्युनिटी नहीं बढ़ी, हमारी कम्युनिटी को बढ़ना चाहिए, हमारी कम्युनिटी को एडवांटेज मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, उन कम्युनिटी को कितना मिल रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन आ गया. कंपैरिजन भी आया सप्रेस करने वाला, है ना. मतलब एक होता है, देखिए दो तरीके की जेलसी होती है, जो लोग हैं ना उनमें दो तरीके की जेलसी हमें देखने को मिलती है. एक होती है कंस्ट्रक्टिव जेलसी और दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव जेलसी. कंस्ट्रक्टिव जेलसी में क्या होता है कि आप खुद को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हो. आप देखते हो कि यार उसको इतने मार्क्स मिल रहे हैं, आप देखते हो यार उसका वहाँ सिलेक्शन हो गया, तो क्या होता है आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, यार मेरा भी होना चाहिए, खुद को उससे मोटिवेट करते हो कि नहीं मेरा अभी होना चाहिए, मैं कर लूँगा. दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव जेलसी, मतलब यहाँ पर आपने खुद को फेलियर साबित कर दिया है. जब आप ये जेलसी जो है वो आपके अंदर अगर आ रही है, आपने खुद को फेलियर ये खुद की नज़रों में बना दिया है,
क्यों? क्योंकि जब डिस्ट्रक्टिव जेलसी होती है तो आप सामने वाले को नीचे खींचने की कोशिश करते हो, सामने वाले को पीछे खींचने की कोशिश करते हो कि उसका यहाँ पर ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब आपने मान लिया है कि आप उसके नीचे हो, इसलिए आप टांग खींचने के काबिल हो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव है इसमें क्या होता है, इसमें आप मानते हो कि हाँ यार ये मेरे आगे है अभी, लेकिन मैं और ऊपर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो ये चीज़ होती है कंस्ट्रक्टिव जेलसी, जो आपको क्या करती है, जो आपको ऊपर लेकर जाती है, ये आपको और नीचे 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 लेकर आती है। क्योंकि हमेशा आप टांग खींचने के पीछे रहोगे, तो समझ लीजिए कि अगर आप अभी यहाँ पर हो, वो यहाँ पर है, आपने टांग खींच के यहाँ तक लेकर आ गए, अब और अच्छे तरीके से टांग खींचने के लिए और आपको नीचे जाना पड़ेगा, तब आप टांग खींच पाओगे, मतलब आप खुद को भी नीचे भेज रहे हो। ठीक है, तो ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें देन मिलिटेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट, काफ़ी मिलिटेंट जो है वो यहाँ पर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज चलाते हैं। देन एजुकेशन अंडर अचीवमेंट हमें देखने को मिलता है, एजुकेशन में नहीं है तो वहाँ पर भी नहीं पढ़ पाते हैं। देन उसके बाद ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर कम्युनलिज्म डेवलप होने का। जो रिलीजन है उसका पॉलिटिसाइजेशन होना, यहाँ पर क्या होता है, जो पॉलिटिकल एजेंडाज है वही यहाँ पर सेट किए जाते हैं। मीडिया जो यहाँ पर सेंसेशन चलाता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इफेक्ट क्या होते हैं उसकी वजह से, इफेक्ट होता है कि हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो यहाँ पर तहस नहस हो जाता है ना, हमारा सोशल फैब्रिक। देन इकोनॉमिक फॉलोआउट जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन थ्रेट जो इंटरनल सिक्योरिटी को, वो हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसके इफेक्ट्स होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन जो है वो भी इसके तरफ से निकल सकता है, जो आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द थ्रेट पोज्ड बाय द कम्युनलिज्म इन द रिसेंट टाइम्स, जो रिसेंट टाइम्स में जो भी कम्युनलिज्म के थ्रेट्स है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया यूएस फोर डे इन कोविड। कॉन्टेक्स्ट है ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के तहत हम यहाँ पर क्या क्या अचीवमेंट हो सकती है, क्या क्या किया जा सकता है, तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स वाइज दिए गए हैं। वो क्या क्या है, पैकेज ऑफ असिस्टेंस जो यहाँ पर सेवरल चीज़ें हमें देखने को मिलती है, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट प्रोविजन, ये कंसिडर किया जा रहा है। इसके तहत यहाँ पर सप्लाई जो है ऑफ फिल्टर्स नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरर्स कोविशील्ड वैक्सीन, ये यहाँ पर उसके लिए अग्री किया जा रहा है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन यूएस जो है 60 मिलियन सरप्लस डोज जो उनके पास रहने वाले हैं बाय जून, तो अब यहाँ पर ये लोग खुद के पब्लिक के ऊपर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि ये यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ को दे। उसमें इंडिया को देंगे या नहीं अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इंडिया को भी देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स। जैसे हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसकी काफ़ी दिक्कत चल रही है, ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट जो है उसके सप्लाई की यहाँ पर बात की जा रही है, इंक्लूडिंग जनरेशन सिस्टम, सिलेंडर्स एंड सेटिंग अप फील्ड हॉस्पिटल विद ऑक्सीजन बेड्स। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है स्पेशल फोकस कमर्शियल सप्लायर्स जो है, जो स्पेशली रामदेसिविर है उसके लिए है ना, इमीडिएट शिपमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। यूएस डेवलपमेंट कोऑपरेशन कॉरपोरेशन जो है फंड करेगा इंडियन वैक्सीन को, जिससे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो, उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपांड अगर हम करते हैं तो और बेटरमेंट यहाँ पर हो सकती है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इस पर हम आ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर फॉर कोविड 19 वैक्सीन। कोविड 19 वैक्सीन जो है उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहता है, अब उसको वेव करने की बात की जा रही है, तो उससे क्या बेनिफिट होंगे वो यहाँ पर हमें जानने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स है ना, वो निगोशिएट कर रहा है WTO टू वेव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कोविड 19 वैक्सीन। कोविड 19 वैक्सीन पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह दूसरे मैन्युफैक्चरर जो है वो विदाउट परमिशन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं वैक्सीन। अब ये अगर हो जाता है, वेव किया जाता है, तो इसकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है मिडिल इनकम कंट्रीज़ में वो हमें देखने को मिलेगा। इंडिया हो गया, अलग अलग जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो शॉर्टफॉल चल रहा है, शॉर्टेज चल रहा है वैक्सीन का, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या देखने को मिल रहे हैं, वही यहाँ पर मुद्दे की बात है। सभी 164 WTO मेंबर जो, उन्होंने इस चीज़ को अग्री करना चाहिए। जो ड्राफ्ट यहाँ पर लाया गया है कि IP जो है उसको हटा दो, सभी मेंबर कंट्रीज ने, अगर एक भी यहाँ पर वीटो करता है तो वो खारिज हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन पहले अपोज कर रहा था इस वेवर को, लेकिन अब यहाँ पर US बैक प्रपोजल जो है उसको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए रेडी हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो आपको यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया में किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो जो है वो अवेलेबल है हमारे कंटेम्प्रेरी इशूज़ के प्लेलिस्ट पर। कंटेम्प्रेरी इशूज़ की आप सभी को पता है मैं सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें जितने भी कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं उनको मैं कवर करता हूँ, और उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो भी अवेलेबल है, वो आप ज़रूर देखिए। इसमें काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, सेडिशन लॉ हो गया, देन हमारा रेलवे सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, देन उसके बाद जो कम्युनलिज्म है वो हो गया, देन जो चाइल्ड मैरिज है उसके रिगार्डिंग इश्यूज़ हो गए है ना,
रिजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो कई सारे इश्यूज मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ जो डेकेड्स तक आपको काम आएंगे, काफ़ी हेल्पफुल है, तो वो आप ज़रूर देखिए। तो अब यहाँ पर ये अगर वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर हम छोड़ देते हैं जिसमें हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखी है आईपी के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर जो है इसका मतलब क्या बनता है यहाँ पर, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ओपन स्पेस जो है प्रोडक्शन के लिए वो कर दिया जाएगा इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन, मतलब यहाँ पर जितने भी हैं ये अभी फिलहाल इतने ही लोग जो है वो बना रहे हैं वैक्सीन, तो इनके अलावा भी अब लोग जो है वो बना पाएंगे, उनको यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए आज़ादी मिल जाएगी। लार्ज स्केल मिडिल इनकम कंट्रीज जो है यहाँ पर आप समझ लीजिए हाई इनकम कंट्रीज है वो भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन अब मिडिल इनकम कंट्रीज है वो भी यहाँ पर प्रोडक्शन कर पाएगी, है ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत सारी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये जो चीज़ यहाँ पर लाई जा रही है इसको कई सारे महीने जो है वो भी लग सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि अभी ये हो गया और उसके बाद शुरू कर दिया इन्होंने और फिर पूरी वैक्सीन की जो डिमांड है वो एकदम सप्लाई के लेवल में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। देन यहाँ पर जो वेवर है डिटरेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वुड नॉट स्पीड अप प्रोडक्शन, ये ऐसा बोला जा रहा है जो यहाँ पर प्रोडक्शन को हम इलिमिनेट कर देंगे, अगर हम यहाँ पर प्रोटेक्शन जो उसको खारिज कर देंगे तो स्पीड अप हो जाएगा प्रोडक्शन, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा ऐसा बोला जा रहा है। ग्लोबल रिस्पॉन्स पेंडेमिक अंडरमाइन किया जा रहा है, यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकता है, है ना, पोटेंशियल यहाँ पर पब्लिक का कॉन्फिडेंस, क्योंकि क्या हो रहा है अब ये भी बना रहे हैं ये भी बना रहे हैं ये भी अभी ऑथेंटिकेटेड है कि हाँ ये बना रहे हैं इनकी ये वैक्सीन है तो ये वैक्सीन हमने लेनी है, ये अभी भी वैक्सीन हेजिटेंसी हमें देखने को मिल रहा है। समझ लीजिए जिनके नाम ही इतने पॉपुलर नहीं है, जो छोटे 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 हैं वो भी अगर यहाँ पर वैक्सीन बना बना कर सप्लाई शुरू कर देंगे तो फिर क्या है ना, क्या हर्ष होगा, कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पर वैक्सीन सेफ्टी को लेकर वो यहाँ पर धोखे में आ सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। कंट्रीज जो है उनकी कैपेसिटी नहीं है यहाँ पर स्पीड अप करने की। देखिए क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ये मिल गया है कि हमको, जैसे समझ लीजिए कि हमारे पास जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, रेयर अर्थ मटेरियल भी उसको बोलते हैं, जो चाइना में भर भर के हैं, इंडिया में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। अब क्या है कि इंडिया ने रेयर अर्थ मटेरियल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए 15 ईयर्स का मोनोपोली जो है मांगा, मोनोपोली इन द सेंस कि परमिशन मांगी, लेकिन उसके 10 साल तक तो इंडिया कुछ कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास उसके टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उसको एक्सट्रैक्ट कर सके, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी क्या है कि प्रोडक्शन जो है वैक्सीन का बहुत स्पीड अप हो जाएगा, कैपेसिटी नहीं हमारे पास। रियल चैलेंज है ट्रेड बैरियर्स, बॉटलनेस जो है सप्लाई चेन में, जो रॉ मटेरियल उसकी स्कैरसिटी, जो अनविलिंगनेस है रिच कंट्रीज की कि वो डोज जो है पुअर नेशन के साथ शेयर करें, तो ये रियल चैलेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपका पूरा सिनारियो जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा और यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो भी खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ए टू ज़ेड के बारे में मिली होगी। वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना ना भूलिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।